नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा मार्केट स्पेशल में। बाजार है कि रुकता नहीं, या कह लीजिए बाजार है कि मानता नहीं, और जितना लोग उसको रोकने के बारे में सोचते हैं उससे ज़्यादा वो चलता है और ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है। मार्केट ने न्यू हाईज बनाए, 26,000 के ऊपर निफ्टी चला गया, 5,750 के ऊपर S&P ग्लोबल चला गया जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है। तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त लाइफ आई, US में लाइफ आई, और चीन में भी एक बहुत बड़ी रिकवरी है। मतलब उनका जो US के लिस्टेड कंपनीज में ड्रैगन इंडेक्स है वो तो 10% चला था एक दिन, क्योंकि चीन ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिस्टम में झोंक दिए। तो ये एक बहुत बड़ी तेज़ी ग्लोबल इक्विटी मार्केट में हुई, बुलरन में हुई है। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है बाजार है कि रुकता नहीं है, मान नहीं रहा, वो तेज़ी की तेज़ी कर रहा है। और जो लोग भी शंका कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा आप डाउट करोगे ना उससे ज़्यादा वो आपको सरप्राइज कर रहा है मार्केट। तो एक इस विषय को समझते हैं कि क्या रिएक्शनरी होना ज़्यादा फायदेमंद है या प्रेडिक्शन के गेम से बचना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को। दूसरा, IPO का मार्केट आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, तो उसको देख के एक सिंपल सी फोमो की फीलिंग आती है कि यार मुझसे चूक हो गई, मुझे बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं मिला था, मैं अफसोस कर रहा हूँ, तो अगला जो भी आएगा मैं लूँगा। और ऐसा ही हो रहा है, कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरीके की कंपनी हो, कितने भी वैल्यूशंस पे आ रही हो, 50 गुना 100 गुना भरना तो मामूली बात है, और लिस्टिंग के दिन बहुत अच्छे रिटर्न्स भी लोगों के बन रहे हैं। तो IPO में फोमो, जनरली हम लोग फोमो का जब जिक्र करते हैं तो वो एक इस सेंस में करते हैं कि मिस हो जाना कोई चीज़, लेकिन यहाँ पे मिस होने को काउंटर करने के लिए लोग कूद रहे हैं। तो क्या IPO का फोमो अच्छी बात है या बुरी बात है? और तीसरा हम लोग विषय डिस्कस करेंगे कि क्या IT में बाहर लौट आई है, IT के अच्छे दिन लौट आए क्या? क्योंकि एक्सेंचर जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है और उसका बिजनेस मॉडल लगभग हमारी कंपनी जैसा है, उसके रिजल्ट्स जो आए हैं ना वो थोड़ा ठीक ठाक आए हैं, गाइडेंस भी अच्छा दिया, इंटरनल्स बेहतर हैं, तो जितना डर था क्या वो खत्म हो रहा है? इन तीन विषयों पे ब्रॉड पिक्चर पे हम लोग बात करने वाले हैं आज, और आपके मन की शंकाओं को दूर करेंगे। मेहमान अब से परिचय कराता हूँ आपको, हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी हैं जो इस वक्त यूरोप टूर में है, और आज उनका पड़ाव जर्मनी में है। पिछले दिनों उनका पड़ाव ऑस्ट्रिया में था, तो अब जर्मनी के म्यूनिक शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर किसी, बता रहे थे कि बहुत ऊंची चोटी पर जहां रोपवे से जाते हैं वहां पे बैठे हुए हैं, और वहां से हमारे साथ लाइव है। फिर एक और देश के दूसरे हिस्से से कोलकाता से हमारे साथ शरद अवस्थी जी जुड़े हुए हैं जो प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप SMIFS के हेड हैं। शरद जी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभिषेक जी को तो आप जानते हैं, मेरे मित्र, बगल में रहते हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, घर के भी पड़ोसी, ऑफिस के भी पड़ोसी, बीच में हैं, तो वो आ गए, रॉकस्टेड कैपिटल के फाउंडर हैं। आप सब लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है, और उम्मीद करते हैं कि पिछला हफ्ता, बीता हफ्ता आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और पैसे बनाए भी होंगे, बनवाए भी होंगे, क्योंकि मार्केट ने ये मौका दिया ही नहीं कि आप दूसरी तरफ सोच सको, वन साइडेड सोच रहे होंगे। और मुझे लगता है जर्मनी में बैठे हुए लोगों को ज़्यादा अफसोस हुआ होगा, अरे यार फोमो फीलिंग हो रही होगी जर्मनी में बैठ के कि यार मैं यहाँ क्यों हूँ, ऐसा लग रहा क्या सुनील जी आपको? नहीं नहीं मैं तो यहाँ से भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना। ये देखो, ये है ना टेक्नोलॉजी, वहीं से मतलब, तो आप घूमने गए और आप उधर बैठ के लैपटॉप में अपना इधर काम करिए, फोन मारा कि ऐसा करो यार। हाँ, क्या टाइम जोन का एडवांटेज मिलता है ना। सुबह फैमिली सो रही होती तब सब काम चल रही हो। तो क्या माहौल, क्या सर ये जो हमने, हमें इसको इस सेंस में समझना चाहता हूँ कि जितने भी तरीके से लोगों ने एनालाइज किया कि इस मार्केट में बहुत तेज़ी, महंगा है, सिर्फ लिक्विडिटी के दम पे है, ये वो है, लेकिन लास्ट वीक जो दो घटनाएं, तीन घटनाएं हुई हैं कि अब चीन की तरफ से पैसा झोंका जा रहा है, फिर पहले US की तरफ से कट किया गया, तो मंदी का जो एकदम रामबाण निकाला गया लिक्विड फार्मूला, तो कैसे इसको एनालाइज करें इस मार्केट को जो एकदम आंधी की तरह चल रहा है? देखिए ओवरऑल आप समझिए कि जो लिक्विडिटी 2007-08 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई वो कभी बंद नहीं हुई, कोविड से आके उसको और धक्का मिला। तो लिक्विडिटी का है जैसे पानी की तरह, वाटर फाइंड्स इज बेस्ट लेवल बोलते हैं ना, लिक्विडिटी फाइंड्स इज बेस्ट लेवल। अब लिक्विडिटी का कारण क्या है, क्योंकि ये केनिशियन इकोनॉमिक से शुरू होता है कि जब ये इकोनॉमी मंदी में हो गवर्नमेंट को अपने हाथों से खर्चा करना चाहिए, वो एक फिस्कल स्टोरी होती है, और दूसरा होता है कि सेंट्रल बैंकर्स लिक्विडिटी फैलाते हैं ताकि मार्केट में पैसे के कारण डिमांड वापस आ जाए।
ये वेस्टर्न कंट्रीज की बात मैं कह रहा हूँ, बट असलियत में क्या होता है ना, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना, एक जनरेशन होता है और ट्रांसमिशन में लॉसेस होते हैं क्योंकि दिल्ली के शहर वाले अपने घर में स्ट्रीट लाइट का घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे लीकेज जो हो रहा है लिक्विडिटी का, असल चीज यह है कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि इकोनॉमी को रिवाइव करे, मगर मार्केट की कोशिश है कि जहां मुझे सस्ते में कुछ मिले एसेट क्लास उसमें मैं पैसे लगाऊं। अब ये स्टोरी इतने लंबे डिकेड एंड हाफ तक चल रही है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली रिस्क को नेग्लेक्ट होता है जब ज्यादा लिक्विडिटी आती है, तो रिस्की एसेट क्लासेस का और भी बढ़प होता है। और इसीलिए मैं मान रहा हूं कि अभी तक यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का रिकवरी नहीं दिख रहा है, तो ये लिक्विडिटी हटा नहीं सकते, इसलिए रेट कट का माहौल, नोट प्रिंटिंग का माहौल ये जारी है। और नेचुरली एसेट क्लासेस में जो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है रिटर्न का उसमें पैसा जाएगा, ये मेरे ख्याल में और कुछ महीनों तक चलना है जब तक यूएस इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाथ में नहीं आती, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस ग्लोबल इंजन है, यूएस की रिकवरी आएगी तो चाइना की रिकवरी आएगी एज एन एक्सपोर्ट स्टोरी, ताइवान की रिकवरी आएगी, कोरिया की। तो मेरा मानना है कि यूएस की जो इकोनॉमी डेटा आ रही है वो अभी तक क्लियर कट एक ग्रोथ का रिवाइवल यूएस इकोनॉमी में नहीं दिखा रही है, इसलिए सब एसेट क्लासेस, गोल्ड चल रहा है, इक्विटी मार्केट्स चल रही है, डेट मार्केट्स में भी पैसा बन रहा है, तो ये जो बेसिक अंडरलाइन, तो मेरे लिए अब निवेश करने के लिए ना दो चीज सामने आती है। फर्स्ट, लिक्विडिटी का रैली एक वैल्यू कैचअप रैली होता है, क्योंकि सस्ते में बिक रहा है कुछ तो उसको खरीदो, तब क्वालिटी को नेग्लेक्ट करके वैल्यू के ऊपर, इसलिए पीएससी का चला, पीएसयू बैंक्स का चला, जिसका भी डिस्काउंट में वैल्यूएशन चल रहा था वो पहले चले। सेकेंड चीज होती है कि वापस क्वालिटी के ऊपर ध्यान, वो अब स्थिति आ रही है कि क्वालिटी को ढूंढो। तो क्या हो रहा है कि मार्केट में अब्सॉर्प्शन, क्योंकि मैं आपकी फाइनल टॉपिक पे आता हूं, मगर अब्सॉर्प्शन हो रहा है कि पहले ग्रोथ सेक्टर्स, साइक्लिकल सेक्टर्स का बहुत चला, फिर उसके बाद आप जो नहीं चले थे, आईटी आपने बताया, पहले रैली में आईटी नहीं चला था फिर चल रहा है, तो मार्केट में बहुत रूम है क्योंकि ये स्पेसिफिक सेक्टर्स तेजी से दौड़ रही है, मगर ब्रॉडर मार्केट में अब्सॉर्ब करने के लिए बहुत से ऐसे सेक्टर्स है, जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर वो पीछे हट गई है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, डिस्काउंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर टू ओवरऑल मार्केट लाइफ टाइम हाई में है, तो वहां पे अभी अब्सॉर्प्शन, तो मार्केट में अब्सॉर्प्शन चल रहा है। और आईपीओ को जो बात बताया वो होता है सप्लाई की तरफ से, क्योंकि डिमांड आती है एग्जिस्टिंग कैपिटल मार्केट की स्टॉक्स लिस्टेड को पुल अप कर रही है, मगर जब तक सप्लाई नहीं है, अब सप्लाई आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिक ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन भी दब जाएगा क्योंकि ये स्प्रेड होगा, इसलिए फंड मैनेजर्स ने भी बहुत कैश इकट्ठा करके इन बड़े दिग्गज आईपीओ के लिए पैसा रखा है। तो ये सब मैं समझा एक अच्छी खबर है कि मार्केट की डेप्थ और इसको एक्सपेंड होकर आगे बढ़ रही है ना, तो मेरे ख्याल में अब स्ट्रैटेजी होना चाहिए स्मेल द मनी, पैसा कहां से ज्यादा आने वाला है, किस तरफ बढ़ने वाला है, उसको अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपका भी पैसा बनेगा। आपकी ऐसी माहौल में मैं समझता हूँ अर्निंग्स, ग्रोथ, ये वाली बात सब हटके है, पैसे वाले कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं उसको आप स्मेल कीजिए और उसके पीछे डालिए तो बढ़ेगा। सिंपल स्ट्रेटजी आज के मार्केट। सुनिए सर, ये बताइए क्या इस समय तो आप जर्मनी में भी लोग पूछ रहे होंगे यार कि इंडियन मार्केट में पैसा लगा दें क्या, थोड़ा उनका तो चल नहीं रहा है तो इधर ही पैसा बन जाए थोड़ा। एक्चुअली तीन ही देश जहाँ पैसा लोग बना रहे तो वहाँ पे भी एक फीलिंग होगी। शरद जी एक चीज़ बताइए सर, एक तो पहला मेरा क्वेश्चन ये कि आपके जो HNI क्लाइंट है वो आपसे जब कन्वर्सेशन करते होंगे फ़ोन पे तो क्या हाय हेलो के बाद वो क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब से कुछ समय पहले तक लोगों को लोग कह रहे थे कि यार बैंक बहुत मुश्किल में है, डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आ रही है, देखो भाई मुश्किल है, क्रेडिट ग्रोथ 11-12% आ गई है, कैसे काम चलेगा, बैंकिंग सेक्टर बहुत ख़राब है, म्यूचुअल फंड वाले सबसे ज़्यादा ख़राब बोल रहे थे उसको, अब उधर भी भाई चल पड़ा गाड़ी। अब तो ये एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि जैसे आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं जब, तो जो पहला व्यक्ति गया उसने सबसे बढ़िया क्वालिटी का माल लिया, प्राइस सेम, दूसरा गया उससे इन्फीरियर, तीसरा गया जो सबसे अंत में रात में गया भाव वही लगा लेकिन वो छटा हुआ एकदम कचरा माल लिया लेकिन भाव वही है। क्या ये हो रहा है क्या कि पैसा इतना है कि सब बिकेगा, हर माल बिकेगा एक ही भाव में? तो ये वाले सवाल आपके क्लाइंट भी पूछते होंगे, तो आप कैसे उनको एड्रेस करते हैं शरद जी?
अब देखिए, क्लाइंट्स का पिछले कुछ समय से लगातार सवाल एक ही रहा है कि बाजार इतना बढ़ रहा है, बहुत नर्वसनेस है कि करेक्शन आ जाएगी, करेक्शन आ जाएगी। तो यूजुअली अगर आप मार्केट्स में देखें तो जितना पैसा करेक्शन खोजने में लोग गंवाते हैं, शायद अगर ज़्यादा करेक्शन खोजने की कोशिश ना करें तो उससे ज़्यादा पैसा बन जाए। तो कहावत है कि बहुत ज़्यादा पैसा करेक्शन खोजने में गंवाया जाता है। तो रशिया यूक्रेन से ये चालू हुआ ट्रेंड कि वॉर हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर ये लेबनान इसराइल वाला इशू चालू हो गया, फिर से लोगों ने अंदाजा लगाया कि बहुत कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है मेन कंसर्न लोगों की यही है, कभी यूएस के इंटरेस्ट रेट्स, कभी यूएस में हार्ड लैंडिंग, कभी यहाँ सरकार बदली या मे बी नॉट इतनी बड़ी मेजोरिटी की सरकार। तो लोग बहुत ज्यादा मंदी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एटीट्यूड गलत है, आपको ब्रॉडर साइकिल के साथ प्ले करना चाहिए और बहुत ज्यादा मंदी खोजने की कोशिश मत करिए। मतलब आप पिछले 5-7 हज़ार पॉइंट से तो मेरे हिसाब से बहुत लोग हैं जो कंसिस्टेंटली मंदी खोज रहे हैं। अब मुझे लगता है अननेसेसरीली लॉजिक्स चिपका के मंदी खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और क्लाइंट्स का प्राइमरी सवाल यही होता है कि बाजार बहुत ओवरहीटेड हो गया क्या, पीक बन गई क्या। तो हम लोग बताते तो हैं कि पीक नहीं बनी है, लेकिन लोगों में थोड़ा सा डर है और बहुत ज्यादा पीक खोजने के प्रति जो उत्साह है वो थोड़ा ज्यादा है रादर देन मार्केट में लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन के। तो वो एक चैलेंज है। जहां तक बैंकिंग के इंप्रूवमेंट का सवाल है, मुझे लगता है एक टिपिकल ट्रेंड आपको बाजार में आजकल दिखेगा जिसको मैंने नाम दिया है कि फंडामेंटल्स को टेक्निकली ट्रैक करना। तो बेसिकली अगर कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे परफॉर्म कर रही है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन की आप उसको क्या प्राइस पे कर रहे हैं, लोग किसी भी भाव पे उसको खरीदते ही जा रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इंप्रूवमेंट बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर आ रहे, ट्रेंड आपके लिए क्लासिक एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है ये जो चीज है ये अक्रॉस द बोर्ड प्ले आउट कर रही है, निगेटिव साइड पे भी ये प्ले आउट करती है। अगर एक क्वार्टर एक बैंक को कुछ बैंकों के नतीजे कुछ खराब आए या कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो सबको थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है और एक ट्रेंड चलता है कि मे बी ऐसे ही चलने वाला है, लीनियर रिलेशनशिप। तो वो एक चैलेंज है, मुझे लगता है बैंक्स में भी वो चीज प्ले कर रही है, Q1 के बाद और ज्यादा प्ले आउट कर रही है। बट एक मेजर पॉइंट जो लोग मिस कर रहे हैं कि Q1 सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है नॉर्मली बैंक्स के लिए। कोविड वगैरह की वजह से डीबेसिंग रीबेसिंग बहुत सारी हुई है, इसलिए बहुत बार आपको Q1 थोड़ा एबनॉर्मल दिख सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो Q1 एक स्लो क्वार्टर होता है। तो मुझे लगता है Q2 ऑनवर्ड्स वो नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। और जहां तक अब लोगों की बैंकिंग में वापस आने का सवाल है, मुझे लगता है अब शायद वो रियलाइज कर रहे हैं कि अगर HDFC बैंक डिपॉजिट ग्रोथ अग्रेसिवली नहीं बढ़ा रहे थे तो उनकी अपनी कॉल थी, ऐसा नहीं था कि डिपॉजिट्स अवेलेबल नहीं है। और जनरली जो एक ट्रेंड बनता है कि लोगों ने बना लिया कि सारा पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, मुझे लगता है जा रहा है फंड, ऑब्वियसली जा रहा है, लेकिन जिस टाइप की हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है मुझे नहीं लगता कि बैंक्स को एज सच डिपॉजिट्स की कोई कमी होगी। और अगर कमी ग्रेजुअली आती भी है तो वो रेट कार्ड के थ्रू उसको प्ले आउट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना चैलेंजिंग होने वाला है। हाँ, ऑब्वियसली शेयर ऑफ फंड्स की थोड़ी मारामारी रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं, प्लस अब इंटरनेशनल फंड्स को भी अलाउड हो गया है बॉन्ड इनफ्लोज के साथ। बट मेरे हिसाब से ये मार्केट इतना बड़ा है कि बॉन्ड इशुएंस वगैरह में बॉन्ड मार्केट जैसे जैसे मच्योर होती है काफी आसानी से ज्यादातर जो इनफ्लोज हैं वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो Q1 के नंबर से थोड़ा ज्यादा लोगों ने इसमें से निकाला है ऑब्जर्वेशन की खराब रहना चाहिए, बट Q2 ऑनवर्ड्स मेरे हिसाब से ज्यादातर ये व्यू चेंज हो जाएगा। Q2 में व्यू चेंज हो जाएगा। शरद ने बड़ी अच्छी बात कही कि ज़्यादा मंदी मंदी खोजने के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा, हर तरह के बायर हैं। देखिए, गोल्ड चल रहा है, लोग बहुत चिंता करेंगे, यार ये गोल्ड क्यों चल रहा है, इक्विटी के साथ कैसे गोल्ड चल सकता है। अरे भाई, सेंट्रल बैंकर वो अलग क्लास है बायर, वो खरीद रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इक्विटी मार्केट के अपने बायर हैं, वो खरीद रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो खैर मुंबई में ही, आदमी को रिएक्शनरी होना ज़्यादा फायदेमंद है या दूरदर्शी भविष्यवक्ता प्रिडिक्शन मारने में, क्या करना चाहिए ज़्यादातर मार्केट में? नीरज जी, भविष्य तो किसी को नहीं मालूम कि भविष्य किसका कहाँ जाएगा। अरे यार, कितना लोग बताते रहते हैं, अभी कोई पर्सनली ना ले, चार्टिस्ट लोग बताते हैं ना, अभी 27,300 है ना, 26,900, ये भविष्यवक्ता ही तो है ये सब, और क्या है ये? नहीं, भविष्यवाणी करनी जो है वो एक बात होती है, और एक ऐसे कहना कि ये बिल्कुल ही हो जाएगा सर्टेनिटी के साथ, वो चीज़ अलग होती है। मुझे लग रहा है एक चीज़ कॉमन डेफिनेटली है कि इंडिया का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है, इसमें किसी को कोई दो मत वाली बात नहीं है। हम लोग बार तो लिक्विडिटी की कर रहे हैं, मार्केट की रैली की कर रहे हैं। लिक्विडिटी के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, कम लोगों ने पास्ट में कई सारे एपिसोड्स के अंदर में इसको
अलग अलग तरीके से डिस्कस किया है। मैं इसको शायद थोड़ा सा एक्सट्रापलेट और करना चाहूँगा आज के एपिसोड से, कि मार्केट के अंदर में एक चीज़ जो हुई है वो हम नज़रअंदाज कई बार कर लेते हैं इस डिस्कशन में, वो ये है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं। ये वो बेस नहीं है जिस बेस पे आपने हिस्ट्री देखी है मार्केट की। बेस तो बहुत बड़ा है आपका, जब बेस बढ़ गया है, बेस के साथ आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों के पास जो पैसे एवेन्यूज हो गए हैं, जब आप उस क्वांटम को लेके आते हो तो आपको दिखता है कि भाई कितनी बड़ी लिक्विडिटी सिस्टम में आ गई। तो लिक्विडिटी को देख के नर्वसनेस जो हो रही है वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रही है, बिकॉज लिक्विडिटी जेन्युइनली है, ये कोई लेवरेज्ड लिक्विडिटी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं लोन लेके अगर मैं मार्केट में लगा रहा हूँ तो फिर ये 2008-07 में कुछ ऐसा हो चुका था जहाँ पे हमने देखा था कि कितने लेवर्ड एफएनओ के अंदर में पोजीशंस होते थे। अभी इतने नॉर्म्स, इतनी सारी चीज़ें, इतनी फाइन सिस्टम्स आ गई है कि अब वो सब होना तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा ही हो रखा है। अब बस बात ये कि भाई किसके पास कितने पैसे हैं मार्केट को या स्टॉक को ड्राइव करने के लिए, तो वही हो रहा है। मार्केट चल क्यों रहा है या वापस इस तरह में हम लोग बार बार क्यों देख रहे हैं कि मार्केट नया हाई बना रहा है, बिकॉज यहाँ रोटेशन भी हो रही है, इसे भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब FII बिल्कुल रुका हुआ था करीबन 8 से 9 महीने तक बिफोर द इलेक्शन, एंड मुझे अच्छी तरह से याद है कि इलेक्शन के एग्जैक्ट एक हफ्ते पहले के एपिसोड में ये डिस्कस हुआ था और मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि FII डेटा ड्रिवन होता है। सामने आप जब देखेंगे कि रियल में आपके इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए उसमें बीजेपी वापस आ गई, तो आप ये ट्रेंड चेंज होता हुआ देखेंगे। तब तक भले ही हम इस रूम में कितने भी डिस्कशन कर लें कि 100% नई गवर्नमेंट जो है वो सेम गवर्नमेंट प्रीवियस है, वो वैसे FIIs काम नहीं करते। तो मतलब कोई एक पार्टी कैश में खड़ी थी जो FIIs थी, जिनके पास हमेशा से डेफिनेटली इक्विवेलेंट पैसा जो DII के पास था उतना पैसा है उनके पास, अब वो वापस अब मार्केट के अंदर में लौट आए। तो जो ये लौट आए हैं और अब किस क्वांटम में ये बाई कर रहे हैं, इसलिए अब ये रैली कंटिन्यू में चली गई, बिकॉज अगर कोई और थक रहा है तो कोई और आगे चला रहा है। सो दिस इज द स्पाइरल बाउंड ऑफ लिक्विडिटी। आई थिंक सो प्ले बुक जैसा फॉलो हो रहा है, जहाँ ए लोगों ने पैसे भी बनाए हैं, लोग पैसे भी बना रहे हैं, और रियल में कोई ऐसी इवेंट नहीं दिख रही है सामने जो कि मेजर कंसर्न हो। बल्कि फॉर दैट मैटर जो भी इवेंट जो लग रहा था उस समय कि एक मेजर कंसर्न हो सकता है, उसे मार्केट ने सिर्फ 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन तक ही रखा, उसके बाद वापस मार्केट अपने वापस एक लूप में चला गया, तेजी की तरफ चला गया। सो मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक तरह से कॉन्फिडेंस बना हुआ है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी हुई है चारों तरफ से, चाहे वो FII की हो, DII की हो, वो एक मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। अब उसके अंदर में अगर आप पैसे भी बनाते जा रहे हैं तो कोई भी इंसान फिर इसे क्यों छोड़ना पुल बैक करेगा। सो भले ही अनकंफर्टेबल जोन है, इसे देख के कोई भी इंसान यही सोचेगा कि भाई अब ये कहाँ तक चलने वाला है, एंड ऑफकोर्स ये कंसर्निंग है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। मगर एक अच्छा लाइन डेफिनेटली मैं एग्री करूँगा जो मेरे कलीग ने कहा कि आप अल्टीमेटली अगर मार्केट में पैसे बनाने आए हैं तो किसी को नहीं मालूम है यहाँ पे कि मार्केट का बॉटम क्या है और टॉप क्या है, और उस चक्कर में अगर आप तेजी मंदी ढूंढने जाएंगे तो आप वेल्थ तो नहीं बना सकेंगे। तो डिफिकल्ट होता है ऐसे सिनेरियो में भी रहना जहाँ मार्केट तेजी में जा रहा है, उतनी ही डिफिकल्ट जब मार्केट मंदी में रहता है, और दोनों को ही डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ना डेफिनेटली इन्वेस्टर एज अ क्लास इतना ईजी नहीं है, और ये आपको देखना ही पड़ता है। अभी अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन में हैं तो उसे इन्जॉय करिए, और थोड़ा तो लॉजिक डेफिनेटली होना ही चाहिए कि थोड़ी सेंसिबिलिटी भी हो कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ रुक जाना है। तो वो सेंसिबिलिटी में इन्वेस्टर के पास रहने एक सवाल और मुझे आप समझना है, जैसे लोग कह रहे हैं कि इस समय आपको लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए, मिड कैप, एक बड़ी डिटेल बहस लोगों की चलती रहती है कि अब इधर छोड़ो उधर छोड़ो। फिर उदाहरण देखें, देखो डिफेंस वाले ऊपर से 30-30% करेक्शन पे आ चुके हैं, मार्केट न्यू हाई पे है और वो 30% करेक्शन में है, रेलवे वाले भी देखो अब चलना बंद हो गए हैं। क्या इसको ऐसे देखना चाहिए कि सेक्टर रोटेशन, अब लोग उधर लगता है कि चलो इधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो वो जो मैंने आलू वाला उदाहरण दिया था कि पहला बायर सबसे अच्छे आलू खरीदता है और सबसे आखिरी वाला सबसे ख़राब, लेकिन प्राइस सेम पे करता है, वो ये वो हो रहा है क्या कि अभी कुछ दिन बाद उनको बैंक महंगा लगने लगेगा वो फिर डिफेंस में लौट जाएंगे, ये हो रहा है? सो इसके पहले वाले सेकेंड वाले पार्ट को मैं एड्रेस करना चाहूँगा, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि टिपिकली जो बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स होंगे वो शायद पहले किन्नों ने ले लिया, और लास्ट में अब आपके पास शायद लो क्वालिटी के स्टॉक्स आएंगे। इसमें ये हो रहा है कि आप देख रहे हो IPO भी कंटिन्यूस आ रहा है, मतलब नई सप्लाई भी मार्केट में आ रही है और वो क्वालिटी सप्लाई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इवन अगर कोई सर्टन क्वालिटी के स्टॉक जो पहले से प्री डिटरमाइन हम जानते थे उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब आप नए नए पार्टिसिपेंट्स को देख रहे हो। अगर आप लास्ट 2 साल में देखोगे कि कितने टाइप के IPO, कितनी वैरायटी के कंपनी आ रही है, तो चॉइसेस की अभी कोई कमी नहीं रही और वही रोटेशन में मार्केट घूम रहा है। रही बात सेक्टर की या लार्ज कैप की, स्मॉल कैप की, आई थिंक सो जैसे मैंने कहा मार्केट एक्सपांड हो चुका है। FIIs हिस्टोरिकली FIIs ने हमेशा निफ्टी के
बड़े जो स्टॉक्स है 50 वो ही वहाँ पे वो प्रेफर करते हैं। और एक महीने की अगर हम तेज़ी निकाल के देखें जिसमें इंडेक्स का अगर परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी 50 एक्चुअली फर्स्ट टाइम आप देखोगे जहाँ सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है स्मॉल एंड मिड कैप को। आई थिंक सो 5-6% निफ्टी 50 ऊपर है एंड शायद आधा और 1% जो है वो स्मॉल कैप ऊपर है, विच मीन्स कि 5% का अल्फा जो है वो आपको निफ्टी से मिला एंड FII की भी हाईएस्ट बाइंग जो है इसी टाइम भी हुई, तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब हर इन्वेस्टर का अपना एक चॉइस होता है, जिनको जो पसंद है। आपने भी राइटली कहा कि अगर कोई गोल्ड का एक बायर है जो अगर कहीं पे कोई बैठा हुआ है तो फिर उससे मार्केट चल रहा है, तो किसी और को बॉदरेशन क्यों होनी चाहिए। सो बिल्कुल वैसा है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कोई निफ्टी की 50 को देखना चाहिए कि स्मॉल कैप को देखना चाहिए। आपको ओवरऑल आपको जो समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये लाइन कहना चाह रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है वो करिए। इन दिनों में थोड़ी ये तो जरूर माहौल बनी है जहाँ लोग समझना कुछ नहीं चाह रहे, एक ही सवाल पूछते हैं पैसा कहाँ बनेगा जहाँ लगा दूँ, तो थोड़ा ये डरावना सवाल होता है, मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा बचना चाहिए। नहीं ऐसा हो गया, देखो ये तो इस बाजार में आप कुछ भी के लिए पैसा तो बन रहा लोगों का है ना। अभी अब चूंकि आप ले आए तो उसको ले आते हैं शो में कि IPOs में जो प्राइमरी ऑफर्स आ रहे हैं उसमें फोमो जैसी एक फीलिंग हो गई लोगों को, यार वो मुझे मिला नहीं, किस्मत में नहीं था मेरे, और आजकल मिलता भी नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया काम एक लॉट भी नहीं मिलता लोगों को, और सब्सक्रिप्शन 100 times तो नॉर्मल न्यू नॉर्मल 100 गुना हुआ क्या तुम्हारा? नहीं हुआ, 80 गुना हुआ, चलो अच्छा ओके ठीक है, लेकिन अगर 100 गुना से ऊपर हो गया तो ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। अब इसमें क्या तो फोमो हो गई कि आप फीलिंग ऑफ मिस आउट की फीलिंग है, आपको लगता है मुझे मिला नहीं, अगला जो आएगा ना उसमें मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा लक। तो ये लगातार वो लोग लक ट्राई कर रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं देख रहा कि वो कंपनी क्या, मतलब बहुत सारे तो इन्वेस्टर को जानता हूँ जिनको ये नहीं पता वो कंपनी करती क्या है। IPO आया है ना मैं अप्लाई करूँगा, अच्छा 2 दिन में पैसा फ्री हो जाता है। अब आजकल वो समय नहीं गया, 15-20 दिन लग रहे थे, अब तो आपका 3-4 दिन का खेल है, तो कोई दिक्कत भी नहीं। अगर वो लोन लेके भी लगाएगा पैसा ना तब भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दिन में कितना ब्याज दे लेगा, लगा तो ठीक है नहीं तो दे देगा थोड़ा। तो क्या ये मिसिंग आउट की फीलिंग आ गई बहुत गहरे, इस वजह से IPO में इतना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, या उनको लगता है कि एक नया पेपर आ रहा है अच्छी क्वालिटी का पेपर हो सकता है कोई, तो इधर पैसा बना लो, हालांकि अच्छी क्वालिटी और उसके प्राइसिंग पे लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं लेकिन वो इग्नोर्ड है। पहला कमेंट आपका, फिर सुनील जी के पास बताइए क्या चल रहा है मार्केट में। मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ दोनों ही बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इसे एक प्लेबुक की तरह बना लिया है, IPO आएगा आप लगाइए और पैसा बनाइए। सो यहाँ पे जब आप ऐसे जा रहे हैं तो बस सब लोग उसी में ही फॉलो कर रहे हैं। और आपने राइटली बोला कि जो प्रोसेस अभी बदल गया है IPO का, जो कि इतना फास्ट भी हो गया है, इतना स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन हो गया है, तो यहाँ पे किसी के लिए कुछ खोने के लिए होता नहीं है और वो अपने हिसाब से लगाते हैं। और क्योंकि पता है कि वो सब्सक्रिप्शन के बाद प्रोडाटा के बेसिस पे आपको जो एलोकेशन आती है वो भी एक पूरा मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो चुकी है, तो वहाँ पे किसी को कोई फियर ही नहीं होता। और इसलिए सेम पार्टिसिपेंट, शायद एक दिन में अगर 2 IPO चले तो सेम पार्टिसिपेंट दोनों जगह सेम अमाउंट लगा दे, क्योंकि उसको पता आना नहीं है। सो ये ओवर सब्सक्रिप्शन इसलिए भी आ रही है क्योंकि शायद अगर आपके जेब में है भी नहीं 1 करोड़ तब भी आपने 1 करोड़ की एप्लीकेशन कर दी, क्योंकि आपको मालूम ही आने 1 लाख रुपए के शेयर, तो ये ऐसा भी हो रहा है। सो आई डोंट थिंक सो वी शुड रीड टू मच ऑन दिस 100x एंड 200x, इट इज लुकिंग लाइक दैट बिकॉज एवरीबॉडी इज जस्ट फॉलोइंग द सेम वे, बट अदरवाइज ये कोई ग्रेट साइन तो नहीं है। मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि सारी कंपनियां बहुत अच्छी आ रही है और लोग शायद कम रीड कर रहे हैं, एक तरह से यही हो रहा है, जो भी IPO में पैसे डालते हैं लिस्टिंग के दिन आपको गेन मिल जाते हैं, तो अभी वही चल रहा है, बट इट इज नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड दैट इट कैन कंटिन्यू फॉर longer। जर्मनी चलते हैं, वहाँ पूछते हैं। सुनील सर, ये बहुत ही लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों को लगता है कि अगर IPO नहीं लगाया तो ये जीवन सफल नहीं होगा हमारा, तो आपका क्या व्यू है? देखिए वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये फोमो का इशू है, मगर मेरा डर और नए IPO के सब्सक्रिप्शन में पैसा डालने में नहीं है। मेरा डर है कि वो फोमो के कारण वही IPO शेयर को पोस्ट लिस्टिंग जाके मार्केट में खरीद रहे हैं। देखिए वो दाम बढ़ते हुए भी उनको लगा अरे मुझे IPO में अलॉटमेंट में नहीं मिला और ये क्योंकि मुझे खरीदना है तो और मच हायर प्राइस में खरीद रहे हैं, तो एक ही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन रहा है कि अगर 100 times ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है और उसमें से इवन 5% पीपल, क्योंकि 1% अलॉटमेंट मिलने वाला है, 5% पीपल भी जाके पोस्ट IPO में वही स्टॉक को खरीदेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा तो हर लोग सोच रहे कि ठीक है मैं IPO में भी डालूं, फिर उसके बाद IPO की लिस्टिंग के बाद फिर जाके उसी को खरीदूं। वो डेंजरस है क्योंकि वहां पे दाम
एक आईपीओ में एक प्राइस रिकॉग्निशन मैकेनिज्म होता है, फिर भी एक रियलिस्टिक आप समझिए मार्केट का प्राइस होता है आईपीओ का। ये पोस्ट आईपीओ में जो बूम हो रहा है स्टॉक स्टॉक प्राइस में, उसमें जो के लोग खरीद रहे हैं, उसका मेरा डर है कि फोमो का इफेक्ट उधर दिख रहा है। तो वही मेरे लिए एक वरिसम थिंग है कि लोग समझ रहे मुझे, अरे ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं मिला, अच्छा लिस्टिंग के बाद में जाके उसी को खरीदूं, बट दाम दुगने में खरीद रहे हैं आप उसके बाद। तो डेफिनेटली लोगों को ये गेट रिच क्विक स्कीम लग रहा है आईपीओ उनको, और भले ही उसमें डाले उसमें ज्यादा नुकसान नहीं, जैसे आपने कहा 3 दिन की बात है, मिला भी तो एक या दो शेयर मिलेंगे ठीक है, मगर ये एक्शन जो पोस्ट आईपीओ में कर रहे हैं उससे मेरे को मार्केट में एक क्या कहते हैं एक एक वेव की तरह जो हो रहा है ना, वो थोड़ा रिटेल निवेशक थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए उनको कि आईपीओ सब्सक्रिप्शन मेरे मान में ठीक है बिकॉज द प्रोसेस इज फेयरली रेगुलर। सेकेंड बात है कि बड़े कंपनियों की आईपीओ एक बात अलग है, अगर ये एसएमई सेक्टर में जो आईपीओ चल रहे हैं बिना कोई इंफॉर्मेशन बिना कोई बिजनेस नॉलेज वहां पे जो पैसा लगा रहे हैं, ये एक सट्टेबाजी की खेल है, ये एक इन्वेस्टर का खेल नहीं है, ये प्योर गैम्बलिंग है। और कोई टिप्स दे रहा है, कोई फिन इन्फ्लुएंसर्स इसको एडवाइस कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकर्स भी अपना काम कर रहे हैं उसमें बिल्डअप करने के लिए, वहां पे सावधान जरूर रहना चाहिए लोगों को जहाँ पे कंपनी की बिजनेस मॉडल वेल एस्टैब्लिश्ड है, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस या फिर ह्यूंडई आने वाला है या स्विगी आने वाले, बिजनेस मॉडल्स वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मगर एसएमई सेगमेंट में जो हो रहा है वो एक डरावनी चीज है। ओके शरद जी, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक सवाल में पूछ रहा हूँ आपसे। ये जरूर बात है कि 100 गुना पैसा लगा है तो सबको मालूम है कि मिलना नहीं हो सकता, 99% लोगों को मिलना ही नहीं मेरे को, पैसा वापस है मेरा, या मिल भी गया तो एक लॉट है ना, तो बाकी पैसा फ्री हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं इसको दूसरी तरह देखता हूँ कि आपका इंटेंट तो है उसमें, मैं तो ये मान के चलता हूँ। तो इसकी वजह से जब लिस्टिंग के समय आता है ना, जैसे बजाज फाइनेंस जैसे टेस्ट केस कि लिस्टिंग के बाद भी लोगों ने खरीदा है, लिस्टिंग के दिन डबल पे खरीदा है, ठीक है, इरेडा को लिस्टिंग के बाद खरीदा लोगों ने, प्रीमियर एनर्जी को लिस्टिंग के बाद खरीदा लोगों ने, तो अब चूंकि एक एग्जाम्पल लो तो 10 लोगों के लिए वो हो जाता है कि भैया अच्छा हाँ ये लिस्टिंग के बाद भी चलेगा। तो एक तो ये मुझे समझाइए कि ये इतनी ज़्यादा मिस आउट फीलिंग क्यों है, दूसरा ये कि जो इतने बड़े बड़े दिग्गज आईपीओ आने वाले हैं, हुंडई का आ रहा है, स्विगी का आ रहा है, फिर उसके बाद और बड़े बड़े आईपीओ, मेरे हिसाब से जो मुझे बताया था मर्चेंट बैंकर ने, करीब 150 आईपीओ लाइंड अप है यहाँ से लेकर के अगले जून तक, और उसमें कुछ बहुत हैवी ड्यूटी वाले हैं जैसे हुंडई। तो शरद जी क्या आपको लगता है कि इसमें क्या होने वाला है? देखिए मुझे लगता है एप्लीकेशंस तो अभी भी आएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को प्रूडेंस के हिसाब से कभी कभी, चाहे लिस्टेड हो चाहे आईपीओ हो, एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि आप क्या वैल्यूएशन पे करना चाहते हैं। वो सब सवाल अभी बैकसीट पे चले गए, वैसे भी बाजार जब तेज होता है तो वैल्यूएशन कोई देखता नहीं है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, तो आप बेटर फिल्टर आउट कर पाएंगे कि आपको कहाँ पैसा लगाना है, नहीं पैसा लगाना है। चलिए आपको बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं समझना है, कुछ नहीं समझना है, लेकिन लगभग एक मोटा मोटी आइडिया तो आप लगा ही सकते हैं कि कंपनी क्या मल्टीपल पे आपको दे रही है या क्या मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, और वो अगर एकदम एबरेशन में है तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अभी तो एसएमई वाले केस में जैसा सुनील जी बोल रहे थे, उसमें तो कोई सिर पैर ही नहीं है, कहाँ क्या चल रहा है, और बाकी में भी मेरे हिसाब से हाँ, जो मास नहीं ऐड हुई है तो नए लोग हैं, अभी समझिए इन लोगों ने मंदी कोई बड़ी देखी नहीं है, पोस्ट कोविड जो मंदी आई भी थी वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, तो मुझे लगता है थोड़ा उत्साह ज्यादा है, नई ब्रीड है, 1-2 साल हो सकता है और आपको लगे इनको एडजस्ट करने में, लेकिन ब्रॉडली मेरे हिसाब से जो प्रूडेंस अगर आपको अप्लाई करनी है तो यही करना चाहिए कि आप पूछें कि आप क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं किसी भी स्टॉक को। और जनरली नए बिजनेसेस में हमेशा से हुआ है बाजार में, पिछले 20-30 सालों की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी नया फैड आता है तो उसमें ऑब्वियसली स्टोरी बिल्डिंग ज्यादा हो जाती है, वीसीपी जैसी इन्वेस्टिंग ज्यादा हो जाती है, जहां कहानियां बहुत बली जाती हैं लेकिन उसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो अभी जैसे अभी थोड़े दिन पहले डिफेंस में हो रहा था, रेलवेज में हो रहा था, अब नॉर्मल था, अभी लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक में ये ज्यादातर स्टॉक 2-3 गुना हो गए थे, तो वहां से अगर ऊपर से थोड़ा करेक्ट भी हो गए तो ज्यादातर स्टॉक्स ने आधे से कम गेन्स अपने गिव अप किए हैं 6 महीने के।
तो मुझे लगता है जिसने पहले लिया उसको तो फिर भी प्रॉफिट है, और जिसने पीक पे जाके लिया वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उदास होंगे। तो कभी ना कभी आपको ये पूछते रहना चाहिए कि आप क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को। मेरे हिसाब से वो काफी हद तक एक डिटरेंट हो सकता है आपके अननेसेसरीली उसमें कूदने के। बजाज फाइनेंस जैसा आपने बोला कि इशू के बाद भी लोगों ने कूदा, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ ये चीज चलती रह गई। नाइका एक केस है, आपके जोमैटो एक केस है जहाँ मुझे तो 60 में भी महंगा लग रहा था लेकिन आज कितना 250 रुपए के आसपास हो गया। तो मुझे लगता है बहुत सारे केसेस हैं जहाँ नए बिजनेसेस होते हैं वहाँ वैल्यूएशन के नए नए मल्टीपल नए नए तरीके इजाद होते हैं और उनको स्टेबिलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। सीड स्टेज से मच्योर बिजनेस होते होते वैल्यूएशन के जो तरीके हैं वो चेंज होते हैं। उस स्टेज में ऑब्वियसली थोड़ा एनोमली तो रहती है आपको समझना कि क्या वैल्यूएशन देना है। तो हर किसी को अपना कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिस्क जोन आइडेंटिफाई करना चाहिए, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अब मुझे कंफर्ट है, मैंने नहीं लिया नाइका, मैंने नहीं लिया जोमैटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं लेता उस वैल्यूएशन की चीजें। पर अगर आपको वो ग्रोथ चेज करनी है, आप मोमेंटम चेजिंग करना चाहते हैं, तो वहां अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करके उसको चेज करें। बट मेरे हिसाब से बिना कुछ समझे खाली कि हर आईपीओ में लगभग पैसा बन रहा है तो वो तो ऑब्वियसली ब्रेन एक मायोपिया क्रिएट कर देता है जहां वो खाली सक्सेस आपको रिपीट करवाता है तो आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा। तो बेसिकली बेसिक सवाल जो मैं पूछता हूं वो यही है कि मैं क्या वैल्यूएशन एक बिजनेस को देना चाहता हूं एक सर्टेन प्राइस पे और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। बहुत सारे बिजनेसेस में जहां हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं नजर आते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं, या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्राइस्ड इन है वैल्यूएशन में उसको भी हम अवॉइड करते हैं। तो बेसिक सवाल यही है कि आप क्या प्राइस क्या क्या वैल्यूएशन एक बिजनेस को देना चाहते हैं। अगर वो सवाल लोग पूछते हैं तो मेरे हिसाब से काफी सेंसिबल डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। पढ़े लिखे लोगों को थोड़ी नादानी दे मौला जो शरद जी ने कह रही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शरद जी आपके आपकी तरह सोचने वाले एक मेरे दोस्त हैं, अक्सर शो में आते थे, अनुराग सिंह अमेरिका वाले, वो जोमैटो के बहुत विरोधी हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्लॉग भी लिखे हैं उस पर कि ये क्यों महंगा होना चाहिए। इवन अश्वत दामोदरन ने तो वैल्यूएशन पर क्वेश्चन खड़े कर दिए थे, लेकिन वो स्टॉक 300 पहुंच गया। तो कई बार जो इसमें कोई गलत नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ भाई, मैं नहीं लूंगा, मुझे समझ नहीं आ रही बात, तो मैं क्यों लूँ इसको, वो 3000 का हो जाए तो ये मार्केट में। चूंकि अभी हम लोगों की प्राइवेटली जब बात हो रही थी शो से पहले, तो आप कह रहे थे कि मार्केट बहुत बार जरूरी नहीं कि आपके बहुत लॉजिकली सोचे हो कि हर बार हमें कांटे से कांटा दो दो चार फिट करना है मैथमेटिकली तभी मैं कुछ काम करूंगा। क्या मार्केट में ये भी एक वर्ग है जो खाली इस चीज़ पर रखता है कि जब चल रहा है तो बनाओ पे बाद में देखा जाएगा, ऐसा होता क्या? तो मेरे को नीरज जी लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में जब पार्टिसिपेंट्स इतने तरह के होते हैं तो उनके विचार भी उतने ही तरह के होते हैं। सो वैरायटी है और इसलिए मार्केट में रहने में मज़ा आता है, बिकॉज आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं और इतने सारे जो व्यूज़ होते हैं वो मिलकर मार्केट बनता है। सो यहाँ पर मार्केट के अंदर मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो सही गलत ये भी मोमेंटमरी या मोमेंट्री है। आज हमने कोई एक कॉल ले लिया कि चलिए करेक्शन आएगा मार्केट में, 7 दिन में आ भी गया, मगर 8वें दिन अगर पूरी करेक्शन वापस मार्केट ने कवर कर लिया तो आप गलत भी हो गए। तो पूरे मार्केट के अंदर में सबसे बड़ी ब्यूटी यही है। जहाँ तक बात उठ रही है कुछ ऐसे कंपनियों की जहाँ शायद व्यू डिफरेंट होंगे या वो समझ के बाहर होंगे कुछ कंपनियाँ, तो ये हमेशा बनता रहेगा। आई थिंक सो इन्फोसिस भी बहुत क्लासिक एग्जांपल है, कई बार डिस्कस हुआ है, जब वो आया था तो आईपीओ भी सब्सक्राइब नहीं हुई थी उसकी उस जमाने के अंदर में, एंड इट वॉज समथिंग वेरी न्यू फॉर द कंट्री कि भाई ये क्या हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। एंड बहुत सालों तक एक्चुअली लोगों को समझ में नहीं आया, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया था, बट बाद में सबको समझ में आ गया। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर वो लोग, वो पूरी इंडस्ट्री ने किया, TCS है और भी HCL है, सब बहुत सारे नाम है। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो एक पूरी ही नई वर्ग की जिसको हम टेक कंपनीज बोलते हैं, टिपिकली हम लोग एक फंड भी चलाते हैं जिसके अंदर में हमारा ये एक फोकस ही रहता है इन्वेस्ट करने का। तो हमने देखा है कि जो चीज़ कुछ आगे भी होने वाली है वो भी लॉजिकल है, बस बात ये है कि जब वो एक स्केल अटेंड करेगी तब वो लॉजिक सबको समझ में आएगी, तो ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एंड उसके हर तरह के, जैसे मैंने कहा कि किसी को एक $100 बिलियन प्लस की कंपनी ही समझ में आती है बिकॉज उसके पास वो स्केल है पैसे लगाने के, और किसी को शायद एक जीरो कम कर ले तो उतनी आती है। ये अगेन मार्केट है इतना बड़ा, सो आई वुड नॉट लाइक टू से मार्केट ऐसा नहीं किया। सुनील जी कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे क्या इसमें? वेरी क्विकली सर। नहीं, मैं कह रहा था कि आईपीओ को जज करने के लिए रिटेल निवेशक को वैल्यूएशन समझना बहुत मुश्किल है उनके लिए ना। तो सिंपल सी बात मैं रखता हूँ एक रूल उनके लिए, वो ये है कि एंड यूज ऑफ द पैसा जो आईपीओ के जरिए रेज किया जा रहा है वो क्या है।
अगर वो पैसा अपने बिजनेस में निवेश करने के लिए, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए हो, तो उस आईपीओ में जरूर निवेश कीजिए, फॉरगेट अबाउट वैल्यूएशन। मगर अगर एग्जिस्टिंग प्राइवेट इक्विटी पर्सन अपना जो प्राइवेट इक्विटी में निवेश किया, अभी प्रॉफिट लेने के लिए वो मार्केट में लिस्ट कर रहा है, तो वो पैसे का वो कहीं बाहर जा रहा है, कंपनी के अंदर नहीं जा रहा है। या फिर एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स भी मार्केट की वैल्यूएशंस को देखकर खुद नहीं करे, मेरी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन कभी हो नहीं सकती, तो आज मैं निकाल लूं पैसा, वो भी हो रहा है मार्केट में। प्रमोटर्स अपना शेयर बेच रहे हैं टू बिकॉज टू कैश आउट एट द हाईएस्ट वैल्यूएशन। यहां से सावधान रह के दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रमोटर्स को अपनी कंपनी की बिजनेस में भरोसा नहीं है, इस दाम के ऊपर कह रहे हैं कि मैं निकाल लूं पैसा। तो अगर आप एंडियोस प्रोस्पेक्टस में आपको इजीली ये पता लगेगा एंडियोस पैसा क्या है, रीइन्वेस्ट इन द बिजनेस हो रहा है, तो वैल्यूएशन को छोड़िए एट दिस स्टेज, उसमें डालिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस आपको वो प्रॉफिट दिलवाएगा ईपीएस ग्रोथ के जरिए, क्योंकि बिजनेस में ही आप पार्टिसिपेट करते हैं। एक बहुत छोटा सा एक सवाल लेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग आईटीएल डिस्कस करेंगे। आजकल तो ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ गई, आप लोग अभी बहुत पुरानी कहानी बता रहे हो मुझे, लोग प्राइवेट मार्केट तक पहुंच गए हैं, लिस्टिंग से पहले चाहिए, वह भी हो रहा है खूब जोरदार तरीके से। जो अब देखिए, अगर 100 गुना 200 गुना सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो हम ऐसी कोई जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे ना कि यार आईपीओ तो मिलता नहीं है, तो कुछ ऐसी तरकीब निकाली जाए कि आईपीओ में या तो पक्का मिले, जो कि मिलेगा नहीं, तो और पहले ले लिया जाए, ऐसा भी हो रहा खूब ना मार्केट में, प्राइवेट मार्केट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि जब बरसात होती है तो कोई एक जन नहीं भीगता है, और वैसी बात है कि आप सोचेंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी है तो सिर्फ लिस्टेड इक्विटी ही चलेगी, ऐसा नहीं होता है। जब हम बात इक्विटी की कर रहे हैं, और अभी फिलहाल तो सारे एसेट क्लास एक जैसे ही हो रखे हैं, सब जगह तेजी बनी है, खाली फर्क है कि हम चर्चा इक्विटी की कर रहे हैं क्योंकि चैनल उसी के लिए ही सब्सक्राइब्ड है। बट पॉइंट बीइंग कि मार्केट के अंदर में क्योंकि हर तरह से पार्टिसिपेंट ढूंढ रहे हैं आइडियाज़ को, एंड अब एक जैसे प्लेबुक मैंने कहा कि आईपीओ में लगाओ और पैसे बनाओ, तो अगर कहीं पहले ही अगर अपने को एक क्वांटिटी मिल रही है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। सो ये एक हो रहा है। एंड एक और पॉइंट को मैं थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट में रहूँगा मेरे ये इस विचार में, जैसे कि हम कई बार कह रहे हैं कि विचार सबके अलग अलग हैं, तो मेरे विचार में बहुत सारी जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ना वो ट्रेडिशनल हो गई। कोई प्रमोटर अगर बेच के जा रहा है, मैं उसे नेगेटिव नहीं समझता, वो अपने लिए वेल्थ नहीं बनाएगा क्या? मतलब उसका ये काम है कि वो अपना बिजनेस चलाए और सबको वेल्थ बना के दे दे सिवाय खुद के, और उसे जो सैलरी मिल रही है वो बेच चुके हो अभी जो प्रमोटरों ने बेचा है। और आप ये बताइए उस 1,00,000 करोड़ के नंबर के सामने कितने स्टॉक करेक्ट हो गए, ये तो जो हमें सबको पता है, उसके बाद भी सारे स्टॉक जा रहे हैं और बहुत नामचीन अच्छी क्वालिटी के प्रमोटर्स ने भी अपना माल बेचा है। तो मुझे नहीं लगता कि बात मैटर भरोसे की है, मैटर ये है कि जब तेजी हो रही है हर इंसान अपने आप को लिक्विडिटी अगर कहीं से, या तो मैं लिक्विडिटी क्रिएट करूंगा तो फिर अल्टीमेटली वो पैसे लेके कहां गया, वापस घूम गया है। या तो अगर आपने कोई दूसरे एसेट क्लास में भी लेके गए, थ्योरेटिकली वो भी नहीं हो रहा एक्चुअली, एफडी के रेट्स हम देख रहे हैं कि 8% भी जा चुके हैं, बैंक्स राइमाम त्रैमाम कर रहे हैं, सो प्रिटी मच ये है कि मार्केट में घूम के आ रहा है, रियल एस्टेट में तो कुछ ऐसे ट्रेंड्स दिख नहीं रहे। सो फैक्ट रिमेन्स कि अगर किसी ने निकाला भी तो उसने अपनी एक जैसे बोलते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लिया, वापस उसे उसी ने उसको कैपिटल बना के इन्वेस्ट कर दिया। सो फॉर मी इट इज़ नॉट रियली चेंजिंग अनलेस समबडी सेलिंग आउट कम्प्लीटली एंड से कि मैं अपना पूरा एग्जिट मार्केट में दे जाता हूँ, नहीं आई थिंक सो, वो एक कंसर्निंग जरूर हो सकता है। देखिए कहाँ जाओगे आप, नहीं मैं कह रहा हूँ कि फिर प्रमोटर कोई नहीं रहा, मतलब जैसे कि आपने पूरा का पूरा एग्जिट ले लिया, ऐसा होता नहीं है, बस वी आर डिस्कसिंग थी। एक बार डिस्कस किया था कि जो प्रमोटरों ने इस साल प्राइवेट इक्विटी छोड़ दें, केवल प्रमोटरों ने 1,00,000 करोड़ करीब माल बेच लिया है। यार अगर बिजनेस इतना चल रहा है, इतना अच्छे वैल्यूएशन में है, तो क्यों नहीं बेचेंगे? उनको कोई परहेज थोड़ी है, उसको बेच के वो बड़े बड़े बंगले खरीद सकते हैं, ऐश करते हैं, उनको भी तो मन है, उनका भी हक है। तो हमने इसको जब डिस्क्राइब किया था कि पैसे खूब निकाले, उन्होंने बेचा और अपने फैमिली ऑफिस में डाल दिया, फैमिली ऑफिस वाले ने फिर मजार में डाल दिया, तो ये चक्र वहीं से चल रहा है। तो कबीरदास जी ने, किसी बड़े संत ने कहा है कि समंदर में जहाज जा रहा है, उसके ऊपर एक पक्षी बैठा है, वो बेचारा बार बार उड़ उड़ के वहीं पे आएगा, जा नहीं सकता कहीं पे, वो पैसा लेके जाओगे कहाँ, आओगे इधर ही। एक और सेक्टर जहाँ पे पैसा आना शुरू हुआ है, ब्रेक के बाद उस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा अभी ब्रेक से पहले हम लोग कर रहे थे, आईपीओ मार्केट को बहुत डिटेल में समझा कि क्या चल रहा है, उससे पहले मार्केट में और सब क्या तस्वीर है लिक्विडिटी की।
अब इस समय में एक बातचीत करेंगे कि जो आईटी सेक्टर है उसमें भी तेज़ी आ रही है और एक्सेंचर का रिजल्ट कह लें, जो उम्मीद थी कि हो सकता कमज़ोर हो लेकिन ठीक ठाक आया, गाइडेंस भी ठीक ठाक दिया, तो आईटी में स्लोली स्लोली बाइंग ऐसी दिख रही है। अभी इसको कंफर्म कराते हैं, प्रूव कराते हैं। शरद जी, क्या लग रहा है आपको, आईटी सेक्टर में लौट रहे हैं क्या लोग? अब उनको लगा कि यार देखो ये गिरेंगे तो है नहीं, कि अब उदाहरण के लिए टीसीएस आपको 2000 का नहीं मिलेगा तो चलो 45 पे ही देखते हैं फिर, तो पीपल आर कमिंग बैक टू आईटी। सेंटिमेंट वाइज हाँ, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली जो प्राइस रिकवरी हुई है वो क्लियरली दिखाती है कि जो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी यूएस में रिसेशन को लेके, इंटरेस्ट रेट्स को लेके, फाइनली इंटरेस्ट रेट्स वाला पीस तो एड्रेस हो गया है। तो मुझे लगता है अब ग्रेजुअली रिसेशन वाला पीस भी लार्जली एड्रेस हो रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम एक फुल ब्लोन रिसेशन या हार्ड लैंडिंग यूएस में नहीं देखेंगे। थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में वापस रिकवरी आ सकती है, तो उसका फायदा आईटी कंपनीज को ऑब्वियसली मिलना चाहिए, तो वो एक चीज है जो इनके लिए पॉजिटिवली प्ले आउट करती है। बट टिपिकल बुल मार्केट है और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ग्रोथ इनमें आएगी, क्योंकि 10-12-13% जैसी ग्रोथ है भी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है बढ़ा के वो 15-16% हो जाए। बट अगर आप ज्यादातर फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स को देखेंगे तो वो ऑलरेडी कितना 28-29 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर वो 10% ग्रोथ पकड़ भी लीजिए तो मेरे हिसाब से 26-27 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड करेंगे और ग्रोथ रेट्स वैसी रहेगी 12-15%, कुछ फेनोमिनल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यूएस में नॉन हार्ड लैंडिंग का मतलब है 1% जीडीपी ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि वो 4-5% पे ग्रो करने लगेंगे। तो अभी इनिशियली थोड़ा सा अभी एक्सपेक्टेशन वाइज ये है कि हर क्वार्टर मोस्ट प्रोबेबली मच बेटर नंबर्स आएंगे जो हम अभी से 6 महीने पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना होगा कि पिछले 2-3 महीनों में जो प्राइस रिकवरी हुई है अक्रॉस द बोर्ड वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हुई है, तो मेरे हिसाब से न्यूट्रल जोन में तो आ गए हैं। पिछले कुछ समय में ऑब्वियसली बाइंग आई है और मुझे लगता है आने वाले समय में भी रिजल्ट्स डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे। पॉजिटिव साइड पे कितना आउट परफॉर्म करके सरप्राइज कर सकते हैं उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। ओके, अच्छा रेट कट हुआ तो यूएस में लोगों को लगा थोड़ा सा बिजनेस ठीक होंगे, हालांकि अभी पता नहीं वहाँ बैंकिंग सिस्टम की क्या स्थिति है क्योंकि अपना धंधा ज़्यादातर उसी में है। क्या लगता है आपको आईटी, आप बायर बनेंगे आईटी में क्या? नीरज जी, आप अगर आईटी की कोई भी हिस्ट्री निकाल के ले लें लास्ट 10-15 साल की, आप हमेशा देखेंगे कि एक तरह का एन्यूटी बिजनेस है ये, क्योंकि मोर ऑर लेस ये कॉन्ट्रैक्ट पे चलते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही आप कोई नया क्लाइंट ढूंढने निकले, आपके जो क्लाइंट है वो बन गए, रिपीट बिजनेस आता रहता है। और इसलिए रेवेन्यू के अंदर में जो सवाल आते हैं टिपिकली वो ग्रोथ से रिलेटेड आते हैं कि भाई कितनी ग्रोथ आएगी। ग्रोथ अगर थोड़ी कम आती है तो लोग दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं और जब दूसरी जगहों पे थोड़ा सा हैवीनेस दिखता है तो वापस यही लौट के आ जाते हैं। सो घूम फिर के मुझे लग रहा है कि आईटी के अंदर में आप कभी भी आप बायर बन सकते हैं और करेक्शन में अगर आपको कोई मौका लग गया, और करेक्शन दो तरह से होता है, टाइम करेक्शन भी एक करेक्शन होता है जहाँ पे लंबे समय तक शायद किसी ने वहाँ पे बाइंग नहीं की और अब दिख रहा है कि चलिए कंसोलिडेट हो गए एक प्राइस एक समय तो अब वापस बाई करेंगे। सेक्टर वाइज मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी खराबी नहीं लगती, बिकॉज टेक की हम बात कर रहे हैं, आईटी की बात कर रहे हैं, ये एवर ग्रोइंग है। जहाँ पे हम चैट जीपीटी 4 की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली आप चाहे कहीं से भी आप बात करें वो घूम फिर के तो आईटी पे ही आ जाता है, उसके अलग अलग यूज़ केस है। सो उस तरह से मुझे लगता है कि डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग जैसे प्लेयर्स होंगे जिनकी जैसे ऑफरिंग होगी उसकी वैसी ग्रोथ होगी। अभी निवेडिया है वो एक हमने देखा कि एक पूरी तरह से different एक ऐसे ही डिफरेंट लेग पे चला गया जहाँ किसी ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। सो डिपेंड करता है कि उनकी अर्निंग की ग्रोथ कैसी है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एलोकेशन आपकी होनी चाहिए और इसमें कोई निकल जाए फिर लगा दे ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा वेटेज अपना ट्रिम कर सकते हैं अगर आपको कभी लगे थोड़ी सिनेरियो वीक है। अभी के डेटा कहीं से भी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए। सो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को बाय करना है और सेफ बेट अगर मैं कंसिडर करूँ तो थोड़ी डेफिनेटली आईटी वुड बी मच लिटिल बेटर बेटर सेफर बेट देन मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच प्रोबब्ली वी डोंट अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं इसमें चूंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आता है और अगर कोई इकोनॉमी में सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है या थोड़ी सी इश्यूज हैं डिमांड के तो लोग कम खर्च कर आईटी स्पेंडिंग कम हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए मैंने जैसे कहा कि मोमेंट्री जब ऐसा सिनेरियो आता है तब ये होता है। अभी ऐसी कोई स्लो डाउन मुझे तो पर्सनली नहीं लग रही है। अगर आप जीडीपी की कहीं की भी ग्रोथ निकाले चाहे यूएस की 3% सो पॉजिटिव है। बट बात है कि बड़ी ग्रोथ पॉजिटिव ग्रोथ है। सो जहाँ अगर पॉजिटिव ग्रोथ आ रही है और कंपनियाँ वैसे भी स्केल ही कर रही है, सबकी एक ही टारगेट होती है ग्रो कैसे करें। अब आप
अदरवाइज तो ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप एक टेक्नोलॉजी अभी आज की डेट में सबसे बड़ा इनेबलर हो रखा है जिससे आप अपनी जो एक्सेलरेशन थोड़ी फास्ट कर सकते हैं और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को आप तोड़ के निकल सकते हैं। सो उस तरह से अगर मुझे देखें तो आउट ऑफ ऑल द इंडस्ट्री आई थिंक सो एक आईटी ऐसी इंडस्ट्री लगती है जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा प्ले करना ज़्यादा सेफर होता है एंड स्टिल यू एबल टू सी द स्केल कंपेयर टू एनी अदर। सो मुझे नहीं लग रहा है डिस्क्रिशनरी की जो बात है ये अगेन चेंज होती रहती है। अभी के लिए जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम बाकी सब चीज़ें देखें जो आसपास में अगर हम दूसरे सेक्टर्स को देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ही सेक्टर्स आपको दिखेंगे जहाँ पे अभी भी आपका कंफर्ट शायद बनेगा तो उसमें से एक आईटी डेफिनेटली है। अच्छा सुनील जी आप ये बताइए क्योंकि आपने सर बहुत कई डिकेट्स फंड मैनेज किया है आईटी को इवेल्युएट करने के तरीके अलग दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले अलग होने चाहिए। हाँ होनी चाहिए और मैं थोड़ा इसमें स्लाइटली अलग मेरे जो को एक्सपर्ट्स है उनकी जो राय है हाँ। मैं स्लाइटली डिफरेंटली एक अप्रोच आईटी के बारे में आपको बताऊंगा कि आईटी एक क्या कहूँ मैं एक सेफ्टी सेक्टर ओके तो सेफ्टी सेक्टर का आउटलुक समझिए एफएमसीजी की तरह आपको ट्रेडिशनल ग्रोथ बेस्ड पी वैल्यूएशन से नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलवेज एक कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होता है एक इन्वेस्टर के लिए में। तो उसके कारण दो तीन चीज अभी सामने अब मेरा आईटी का मानना है कि वो FIIs की फ्लोस के जरिए ही आईटी चलती है या नहीं चलती है। अब जून से जो पैसा वापस आने लगा वहां से दिख रहा है कि FIIs की बाइंग और आईटी की रिकवरी फ्रॉम इट्स लोस भी उसी का साथ कोरिलेशन है। अब आप कह सकते हैं कि ये कोरिलेशन है मगर कॉन्सेशन नहीं है मगर आप देखेंगे तो दो तीन चीज मैं सामने बताऊंगा आपको कि फर्स्ट चीज यह है कि फेड के रेट कट के माहौल के कारण लिक्विडिटी इक्विटी की ओर और एमर्जिंग मार्केट की ओर बढ़ रही है नंबर वन। नंबर टू फैक्टर आप देखेंगे तो इंडिया का एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में अब हम चाइना को ओवरटेक कर चुके हैं यानी पैसिव पैसे का अलोकेशन 100 रुपए के अंदर 20 रुपया इंडिया को आ रहा है एमर्जिंग मार्केट के पूल में राइट। तो ओवरऑल पैसिव एलोकेशन में इंडिया को वो बढ़ गया। अब पैसिव में इंडेक्स के अंदर आईटी का बहुत बड़ा एक शेयर है तो पैसिव फ्लोस में कोई मन नहीं लगाता है ना ऑटोमेटिकली इंडेक्स के ऊपर वो एलोकेशन आता है। तो एक चीज हुआ है कि इक्विटी का एलोकेशन बढ़ गया उसके अंदर पैसिव इक्विटी का एलोकेशन बढ़ गया और पैसिव के अंदर इंडिया का इमर्जिंग मार्केट में चाइना से आगे बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपको वो फ्लो पैसा आ रहा है ना इसलिए मैं कह रहा था कि स्मेल द मनी। तो ये सेकंड चीज क्या है इसमें कि एक पैसिव एलोकेशन तो बढ़ रहा है एक्टिव फंड मैनेजर की बात सोचिए उनको आईटी में कंफर्ट कहां से आता है। एक है कंसिस्टेंसी जैसे मनोरंजन ने कहा था कि कंसिस्टेंसी और गुड। सेकंड वो कस्टमर्स ऑफ आईटी को अच्छी तरह जानते हैं अपने देश में तो उनको इंडियन कंपनी को समझने के लिए एक टेस्ट करने के लिए उस बायर से बात कर सकते हैं। तो एक इमर्जिंग मार्केट के अंदर एक कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो एक डाउट होता है कि क्या इनके नंबर्स ठीक है ये क्वालिटी ऑडिट किया हुआ है नहीं यहाँ पे वो डाउट नहीं है क्योंकि जो बायर्स है उनके पास एक फोन कॉल उनका लगा क्या लग रहा है आपको इंफोसिस से खरीद रहे हैं आईटी का एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं नहीं उससे उनको एक कम्फर्ट जोन मिल जाता है कि इंडियन आईटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल्स पर। फिर सेकेंड बात ये होती है कि रेट कट में बीएफएसआई सेक्टर का आगे बढ़ता है सबसे बड़ा बाइंग सेक्टर आईटी के लिए बीएफएसआई होता है तो जब भी कुछ न्यूज पॉजिटिव बीएफएसआई इंडस्ट्री के लिए होती है वो ऑटोमेटिकली आईटी बिजनेस की ग्रोथ में होती है। और फाइनल आज के दिन में क्या आईटी में रुझान क्या है कि एआई एमएल की ओर जो सभी इंडस्ट्रीज बदल रही है उसमें आईटी कंसल्टिंग का सबसे बड़ा हाथ होता है टू हेल्प द कंपनीज टू ट्रांजिशन टू एन एआई एमएल फ्रेमवर्क। सो इसलिए आईटी का आउटलुक और बेहतर दिख रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आईटी इंडिया में एक कम्प्लीटली अलग आंखों से देखना चाहिए कि स्मेल द मनी कि एफआईएस की आउटलुक में आईटी कैसे दिख रहा है उसके बेसिस पे आप डोमेस्टिकली उसको जाके खरीदिए। इट इज नॉट अ डोमेस्टिक प्ले एट ऑल आई मीन डोमेस्टिक बिजनेस तो है उनका ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक बिजनेस नहीं है मगर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर और इसमें खास क्या हुआ है पिछले साल डेढ़ साल में कि डोमेस्टिक फ्लोस कांस्टेंट रही है एसआईपी को बढ़ता जा रहा है पर द डेल्टा इंडियन मार्केट में जो भी वॉलिटिलिटी आता है वो एफआईएस के अंदर या बाहर जाने से होता है।
तो आपको अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पकड़ना है, एफआईएस निकालने वाले या डालने वाले हैं, उससे होता है। और आज के दिन में एक नॉन आईटी रिलेटेड फैक्टर ये पैसिव फ्लोस को इंडिया में अट्रैक्ट कर रही है, पैसिव और एक्टिव फ्लोस को, वो है तेल का दाम। क्योंकि तेल की दाम घटती जा रही है, इंडिया का अट्रैक्टिवनेस, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट क्रूड इम्पोर्टिंग नेशन, 83% ऑफ आवर क्रूड इज इम्पोर्टेड। अगर तेल का दाम घट रहा है तो वो इंडिया के लिए एक शॉर्ट टर्म हेज फंड के लिए बहुत पॉजिटिव बन जाता है। तो इसलिए जब वो अलोकेट करता है तो ऑटोमेटिकली आईटी का उसका हिस्सा मिल जाता है। बस वही मेरी आईटी के लिए मेरा ये सोच ही टोटली अलग है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्रूड वाली बात आपने कही। उसमें एक चीज में खाली जोड़ देता हूँ कि जो 50-56 देश हैं जिनकी इकोनॉमी क्रूड पे चलती है, उसमें बहुत बड़े बड़े रिच देश भी हैं, तो क्रूड भी कहीं ना कहीं आईटी को पुश करता, फ्यूल करता है। कि हमने अक्सर देखा ट्रेडिशनल डेटा कि अगर क्रूड बहुत महंगा हो गया तो आईटी स्टॉक उसमें चलते हैं, फिर वो गिरते नहीं है, उसमें रैली आ जाती। लोग गलत समझते हैं कि क्रूड भागेगा तो आईटी और भागेगा, क्योंकि वो पैसा घूम के इधर ही आता है। तो वो भी एक तरीका हो सकता है। और इस समय तो खैर एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री है, और क्रूड में मेरी अपनी निजी राय है कि जो इस समय 70-72 के आसपास दिख रहा है ब्रेंट, ये बहुत दिन तक रहेगा नहीं। ये बस US इलेक्शन तक आप देखिए, उसके बाद ये क्रूड पलट के आएगा, तेज़ होगा इसमें। शरद जी, फिर इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे निचोड़ ये हुआ कि करेंट मार्केट में चूंकि लोग शिफ्ट भी कर रहे हैं ना लार्ज कैप की तरफ, चले थोड़ा उधर ज्यादा महंगा और चरनी वाले प्रोसेस में, तो आईटी में थोड़ा लोकेशन डाल देना चाहिए, डालना चाहिए, बट बहुत स्पेसिफिक रहना होगा। और आपको और आपका अपना होराइजन मोस्ट प्रोबेबली 2 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड करना होगा, मेरी समझ तो यही बोलती है। 2 साल तक अब पैसा बनना मुश्किल है, 6-8 महीने पहले तक, 1 साल पहले तक हमने उस लेवल से पूरा एक्यूमुलेट किया, बट फ्रंटलाइन स्टॉक्स में यहाँ से बनना मुश्किल होगा। कोफोर्ज जैसी कुछ स्टोरीज हैं जो बहुत अग्रेसिव एक्सपेंशन की बात कर रही है नंबर्स में, अगर वो टर्न आउट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से पैसा बन सकता है। बट सिंपल प्लेन बाय एंड होल्ड फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक लेके मुझे नहीं लगता कि अगले साल 2 साल आप बहुत ज्यादा पैसा या कोई आउट परफॉर्मेंस ऐसा फंड हाउस आप जनरेट कर पाएंगे। कोफोर ने नाम लिया, कोई रिकमेंडेशन नहीं यहाँ पे, मैं सुधीर जी को सुनता हूँ ना जब भी, जब सिग्निटी उन्होंने एक्वायर किया तो जो उनका इंटरव्यू था ना, इतना उत्साही वाला था। और आप देखिए, वो 4500 तक चला गया था उस एक्विजिशन के दौरान, और अभी फिर से 7000 पर खड़ा हुआ है। तो कुछ तो कौन ड्राइव कर रहा है कंपनी, उस पर ही फर्क पड़ता है। नहीं बिल्कुल, आप देखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा ओवरहैंग बहुत लंबे समय से था, एक फंड था जो कंटिन्यूस सेलिंग मोड में थे, एंड आई थिंक उनकी सेलिंग ऑलमोस्ट 1 साल तक चली अलग अलग ट्रांचेज में। तो उस समय जब आप देखोगे तो बाकी आईटी चल रहे थे, बट इट वाज वेरी वेरी हाईली अंडर परफॉर्मिंग। सो कई बार क्या होता है, कंपनी अच्छी भी कर रही हो बट अगर आपके सेलिंग प्रेशर आ रहा है, डिमांड सप्लाई में अगर सप्लाई ज़्यादा, तो शायद वो बढ़ते नहीं है। और द मोमेंट वो खत्म हो गए तो आप देखो कि किस तरह से ये रैली आई। सो आई रिमेम्बर ये 3-3500 रुपये के आसपास उस समय ये सब चल रहा था, एंड अभी ऑलमोस्ट हम बात कर रहे हैं डबल है। तो हम आईटी के अंदर में जहाँ ये फील हो रही है कि चला ही नहीं है, तो एक एग्जांपल ही है जहाँ पे रिटर्न है। सो अगेन पॉकेट्स के अंदर में चीज़ें अलग अलग हो रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ओवरऑल पूरे सेक्टर को हम एक ही बकेट में डाल दें, वो होगा नहीं। जैसे स्पेसिफिक है, जैसे अलग अलग ट्रेंड हो गए, जैसे अभी खुद सुब्रमण्यम साहब बोल रहे हैं कि कुछ तो पैसे फंड्स की है, तो अगर वो अगर आएंगे तो फिर आप इन्फोसिस, TCS, SCL ये बड़े वाले नाम में आप देखेंगे। सेकंड लेग के अंदर में आप देखेंगे तो फिर आपको दूसरी स्टोरी मिलेगी। सो अल्टीमेटली घूम फिर के बात यही हो रही है कि बकेट्स है, उसमें बाइंग करने की रीजंस अलग अलग हो सकती है, बट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते एज अ सेक्टर, इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये थी आज की चर्चा जिसमें हमने IPO, ग्लोबल मार्केट और लिक्विडिटी और IT सेक्टर का बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और सुनील जी तो यूरोप में मजे ले रहे हैं, जर्मनी घूम रहे हैं। शरद जी, आपका क्या प्लान है वीकेंड में, क्या करेंगे 2 दिन की छुट्टी में, क्या करेंगे आप बताइए? 2 दिन की छुट्टी में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बच्चे का कुछ स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है, मिनी UN, उसमें उसको लेके जाना है। लो काम, ये छुट्टी में भी काम मिल गया। आप क्या कर रहे हैं? एक इंटरनेशनल शो अभी हो रहा है इंडिया में फर्स्ट टाइम, ये दिल्ली में टिपिकली होता है, इस बार पहली बार बॉम्बे में हो रहा है जियो में। तो वीकेंड में मैं वहीं पे ही थोड़ा अपग्रेड होना चाहूंगा, फर्नीचर एंड आर्ट्स के लिए। तो कोई मूवी भी नहीं देखेंगे, प्लान नहीं है, वही देखेंगे। इस वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग कुछ आई नहीं है। रिसेंटली कोई मूवी देखी? अभी स्त्री 2 देखी। हाँ, लास्ट मूवी थी, कैसी लगी? फैंटास्टिक, आई मीन वो तो क्या कलेक्शन बताते हैं अभी व्यू का तो। अरे अच्छा सुनील जी, आपने उधर मॉल वॉल तो घूमने गए होंगे, उधर कोई बॉलीवुड या फिल्म लगी है क्या जर्मनी में? नहीं कुछ ज्यादा नहीं, मैं तो टूरिस्ट जगह में जा रहा हूँ ना, तो उधर ज्यादा टूरिस्ट खरीदारी कर रहे हैं लोकल। पेड़ पहाड़ पौधे के बीच में सुनील जी घूम रहे हैं, और सबके अपने अपने वीकेंड के प्लान्स हैं, आपका भी डेफिनेटली प्लान्स होगा। तो मार्केट में सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है
कि अलर्ट रहना है खाली। वैसे तो ट्रेंड के साथ आपको चलना पड़ेगा, प्रेडिक्शन कोई कर नहीं सकता इस समय मार्केट में, जो रैली बन रही है ना लिक्विडिटी के दम पे, उसको प्रेडिक्ट करना गलत है। और दूसरा, हमेशा मार्केट जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं ना उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मार्केट कितनी दूर तक चलेगा जब आपके कंट्रोल में है नहीं, आप उसका कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, तो उसके बारे में कम सोचिए, ये सोचिए कि इतना चल गया तो क्या करना है और इतना गिर गया तो क्या करना है। एक्शन, आपका एक्शन आपके कंट्रोल में है, ये मार्केट का मूल मंत्र याद रख लीजिए जीवन भर, कि रिएक्शनरी बनिए मार्केट में, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए कि ये चल नहीं सकता अब, आपके कहने से ना चलेगा, आपके कहने से ना वो रुकेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग शोज़ के लिए आवाज़ अड्डा आप देखते रहिए और अपने सुझाव देते रहिए और किस तरह के शोज़ आपको पसंद हैं। वीकेंड मस्ती करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस हफ्ते, अगले हफ्ते फिर किसी और विषय पर। बहुत बहुत शुक्रिया।